ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में सेफ होंगे। आज हम लोग मूवी का पोस्टर डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों से कहा था कि हम लोग इस तरह के पोस्टर डिज़ाइन करेंगे जिसमें आप लोग अपनी फेवरेट मूवी का पोस्टर डिज़ाइन करोगे। ये पोस्टर है जिसमें मल्टीपल इफेक्ट्स हैं जो हम लोग अप्लाई करेंगे। मैं आप लोगों के साथ एक सेकेंड शेयर कर देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो ये पोस्टर है, ठीक है। जो मेन चीज़ देखने वाली है वो इसमें जो इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो 2% की इमेज आ रही है और इसके अंदर यहाँ पे जो इमेज है, ठीक है, इसमें कटिंग होगी। इस इफेक्ट को कहते हैं डबल एक्सपोयर, ठीक है। EXPOSUR, डबल एक्सपोयर, यानी कि एक ही इमेज, एक ही ऑब्जेक्ट में डबल चीज़ें नज़र आ रही हों, उसको डबल एक्सपोयर इफेक्ट कहा जाता है फोटोशॉप के अंदर। ये कैसे क्रिएट करते हैं आज की क्लास में हम लोग ये देखेंगे, ठीक है। तो और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड के साथ इसको नेगेटिव स्पेस के अंदर मर्ज किया हुआ है, सो ये भी चेक कर लीजिएगा। और किस तरह करेंगे ये सारा कुछ आज हम लोग क्रिएट करके देखेंगे। इसके स्टेप्स थोड़े से लेंथी हैं, मेरी कोशिश होगी कि मैं बिल्कुल स्लो लेके चलूँ चीज़ को, ताकि आप इजीली समझ सको कि कहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। और कोशिश ये करेंगे कि हम जितना सिंपल हो सके इसको उतना सिंपली इसको सीखें, ठीक है। इसका फ़ायदा ये है कि ये चीज़ बहुत जगह पे यूज़ होती है, वेबसाइट डिज़ाइन में, पोस्टर डिज़ाइन में, कुछ भी आप डिज़ाइन कर रहे हो वहाँ पे आप ये चीज़ अप्लाई कर सकते हो। ये जो स्टाइल है ये अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एक दफ़ा आपका हाथ बैठ गया इस पर तो मुश्किल से आपको 10-15 मिनट लगेंगे, आप इस तरह की चीज़ क्रिएट कर लोगे। और क्लाइंट को इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, ठीक है, जिसमें थोड़ी सी डिटेलिंग वगैरह हो और एक इमेज में से दो शेप्स वगैरह इस तरह से नज़र आ रही हूँ, ठीक हो गया। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। इस अगर पोस्टर को हम लोग ब्रेक डाउन करें तो इसमें मेन जो चीज़ है ये टेक्स्ट वगैरह है, ये तो हम बाद में इलस्ट्रेटर में ऐड कर लेंगे। इसके अलावा ये जो ग्राफिक है ये क्रिएट करने वाला है, जो मेन आपकी चीज़ है सीखने वाली आज के लेक्चर में, ठीक है। तो हम देखेंगे कि ये किस तरह क्रिएट होगी। ये इमेज जो है ये मैंने अनस्प्लैश से लिए हुए हैं, ये मेरे पास पड़े हुए यहाँ पे, ठीक है। ग्रे स्केल पोर्ट्रेट वगैरह सर्च करेंगे तो आपको इस तरह के इमेजेस मिल जाएंगे। इमेजेस मैंने अनस्प्लैश से लिए हुए हैं, कोई स्पेसिफिक इमेजेस नहीं है, ठीक है। इसके अलावा पेटनोस टावर हैं ये मलेशिया वाले, ठीक है। ये मैंने अनस्प्लैश से ही लिए हैं, तो इमेजेस वही हैं जो आप लोगों के नॉर्मल आप ले सकते हैं, ठीक है, रॉयल्टी फ्री इमेजेस। ओके, सो उसके अलावा नेटफ्लिक्स वगैरह का लोगो मैंने लिया हुआ है, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे नेटफ्लिक्स का लोगो ऐड किया हुआ है। तो ये कैसे स्टार्ट करना है, सिंपल आप लोगों ने जो इमेज यहाँ पे जिसके ऊपर आपने चीज़ अप्लाई करनी है, ठीक है, उसको सिंपल आप ले जाओ फोटोशॉप के अंदर, ठीक है। फोटोशॉप में इस तरह से आपके पास ये इमेज आ जाएगा। पहला काम आपने ये करना है कि इसके साइडों से जितने भी फालतू स्पेस है वो डिलीट कर देनी है या वो क्रॉप कर देनी है। सिंपल यहाँ से क्रॉप का टूल सेलेक्ट कर रहा हूँ और ये जो एरिया इतना मेरे पास आ रहा है, मैं सिंपल इस एरिया को इतना यहाँ से क्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है। ये एरिया मैंने सारा यहाँ से क्रॉप कर दिया। अब इसको यहाँ से टिक कर देंगे तो ये चीज़ सारी कट हो जाएगी, ठीक है। तो ये एरिया हमारा रिमूव हो गया। नेक्स्ट जो आपने काम करना है यहाँ से, ठीक है, वो ये चीज़ है कि आप लोगों ने यहाँ से इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। क्विक सिलेक्शन को यूज़ करते हुए मैं इसका बैकग्राउंड रिमूव कर रहा हूँ। हमें बैकग्राउंड रिमूव करना पहले भी आता है, सिंपल क्विक सिलेक्शन से मैंने सेलेक्ट किया। इसका थोड़ा सा यहाँ से कान रह गया है तो यहाँ से माइनस सिलेक्शन करते हुए इसका ये जो ईयर है यहाँ से इसको भी यूँ अनसेलेक्ट कर देंगे, ठीक हो गया। तो इस तरह से सारा अनसेलेक्ट हो गया। थोड़ा सा यहाँ पे देख लें तो ठीक है, फाइन, ठीक हो गया। और लेयर अपनी अनलॉक कर लें और सिंपल डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। ये वो चीज़ है जो हमें पहले से आती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चीज़ है, हमने बैकग्राउंड रिमूव किया और यहाँ से अब लेयर्स में जाके हमने अब क्या करना है, हमने इसके बैक पे एक कलर देना है, ठीक है। ऑलरेडी इसके बैक पे वाइट कलर था लेकिन मैं एक और कलर इसमें ऐड कर रहा हूँ और वो वाइट कलर ही होगा, लेकिन वो क्यों कह रहे हैं वो आगे चल के आपको पता चलेगा कि हमने यहाँ पे कलर क्यों ऐड किया था। सो सिंपल यहाँ से मैं क्लिक कर रहा हूँ और सॉलिड कलर, ये यहाँ पे क्लिक किया मैंने, ठीक है। ये नीचे ऑप्शन दिया उन्होंने, इस पर क्लिक कर रहा हूँ और सॉलिड कलर पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ होती हैं सारी। सो यहाँ से मैंने एक सेलेक्ट किया वाइट कलर, ठीक है, ये बिल्कुल वाइट कलर सेलेक्ट किया और यहाँ से और इसको ओके कर दिया। तो इस तरह से यहाँ पे वाइट कलर आ जाएगा। आपने अपना जो इमेज है उसको ड्रैग करके टॉप पे लेना है ताकि आपका इमेज फ्रंट पे हो और जो वाइट कलर है वो बैक पे हो, ठीक है। हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे अपना जो इमेज था वो ऐड कर दिया, अलग कर दिया उससे, और यहाँ पे एक वाइट कलर हमने ऐड कर दिया बैकग्राउंड के ऊपर, ठीक हो गया। यहाँ तक अब चीज़ क्लियर होगी। हमने बैकग्राउंड रिमूव किया है और हम लोगों ने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ऐड किया है एक, जस्ट यहाँ से जाके और सॉलिड कलर में से, ठीक है। सॉलिड कलर पे हमने क्लिक किया तो यहाँ से कलर ऐड किया। कलर ऐड हो गया और कलर को हमने बैक पे ले गए सबसे नीचे, जो सबसे नीचे चीज़ होती है हमें पता है कि सबसे बॉटम पे होती है, ठीक है। और सबसे टॉप के ऊपर हम लोगों ने अपना जो इमेज है जिसका बैकग्राउंड हमने रिमूव किया हुआ है वो चीज़ रख दी है, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आ जाती है हमारे पास कि हम लोगों ने जो इमेज इसके ऊपर प्लेस करना है, जो चीज़ दिखानी है, वो चीज़ ले आएंगे जो हम लोगों ने यहाँ पे ये बिल्डिंग शो करनी थी, उसको यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, इसको यहाँ लाके ड्रॉप किया। ठीक है, बिल्कुल लेमैन टर्म्स में हम काम करेंगे, कोई टेक्निकल कोई बहुत मुश्किल चीज़ मैं आपको नहीं बता रहा इसके अंदर कि फोटोशॉप में हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप्स। ठीक है, कोई इतना इशू नहीं है। मैंने सिंपल यहाँ पे इमेज ड्रॉप की है। ठीक है, दोबारा दिखा दूँ, सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, यहाँ पे ड्रॉप और इसको मैं यहाँ से बड़ा कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसको देखना इस तरह से आपने कि ये चीज़ कहाँ पे मैंने शो करनी है, उसके लिए मैं यहाँ से लेयर्स में जाता हूँ और उसकी ओपेसिटी कम कर देता हूँ इस तरह से। ठीक है, इसमें ओपेसिटी कम करूँगा तो मुझे कुछ हद तक नज़र आ रहा है कि ये चीज़ कहाँ पर प्लेस होगी। तो अब मैं वापस आके इस चीज़ को उस जगह प्लेस करूँगा जिस जगह पे मैं ये टावर शो करना चाहता हूँ। ठीक है, जहाँ मैं बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाऊँ कि हाँ इस जगह पे ये ठीक है, यहाँ विजिबल होंगे प्रॉपर, तो मैं उस जगह पे इसको ओके कर दूँगा। तो मुझे यहाँ पे ये ठीक लग रहा है, फाइन है, कोई इशू नहीं है। और वापस आके लेयर्स के अंदर मैं इसको ओपेसिटी इसकी वापस इतनी कर दूँगा। ठीक हो गया, और इसको यहाँ से आप टिक कर दें। यहाँ तक आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर होंगी, कोई ऐसा मुश्किल चीज़ मैंने नहीं की। सिंपल ला के यहाँ पर आपका जो इमेज था वो प्लेस की है, जिसको हम लोगों ने एडिट करना है या आगे चल के यूज़ करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो काम है आपका, आपने सिंपल ये जो आपका इमेज है इस पर सिंपल कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करना है। ठीक है, इस तरह से आप लोगों का ये जो इमेज है वो इस तरह से आउटलाइन हो जाएगा, और इसके ऊपर अब हम चीज़ अप्लाई करेंगे जिससे हमारा ये किसी हद तक जो डिज़ाइन है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल हम लोगों ने यहाँ पे ये इमेज सेलेक्ट कर लिया, और अब टॉप वाला जो हमारा इमेज है जिसमें हम लोगों ने ये इफेक्ट लगाना था उस पर क्लिक करके आपने यहाँ से मास्क पे क्लिक कर देना, जिससे ये चीज़ अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, कि आपका जो आउटलाइन थी वो अलग होगी। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हमने दोबारा से वाइट कलर क्यों किया था, ताकि हमारा इमेज यानी कि जिसका बैकग्राउंड है वो चीज़ और हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो दोनों चीज़ें अलग अलग नज़र आए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने उस पर ये चीज़ अप्लाई कर दी। उसके बाद एक चीज़ मैं यहाँ पर ट्राई कर लेता हूँ, माइट भी हमारी अभी ही हो जाए इसके अंदर। यस, सो सिंपल मैं अब क्या करूँगा कि मैंने यहाँ से ये जो ब्लैक वाली जगह नज़र आ रही है आपको, इसको सेलेक्ट किया और मैं यहाँ नॉर्मल वाली स्क्रीनिंग से गया यहाँ से लाइटनिंग पे। ठीक है, लाइट एंड इफेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो किसी हद तक जो चीज़ हम चाह रहे थे वो यहाँ पे बन रही है, लेकिन इट्स नॉट कम्प्लीट। हमें इसको और क्लियर करना है, हमें फेस और क्लियर करना है। तो उसको करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से ब्रश पे जाएंगे। ठीक है, और ब्रश पर राइट क्लिक करके, ठीक है, अपना जो साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे ब्रश का। ठीक है, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, आपका ब्रश का साइज़ आ जाएगा, थोड़ा सा बड़ा रखेंगे ताकि उसके फेस के आसपास साइज़ आए। ठीक है, तो यहाँ पे इतना मैं साइज़ ले रहा हूँ उसका, ये बहुत बड़ा हो रहा है। ठीक है, डैट्स फाइन। सो ब्रश का साइज़ ले लिया हमने, और उसके बाद आपने जो फॉरग्राउंड कलर है यहाँ से वो आप लोगों ने ब्लैक कर लेना। ठीक है, आप ब्लैक यहाँ पर क्लिक करोगे तब भी आ जाएगा, और वैसे भी जो डिफ़ॉल्ट दिया होता है वो यहाँ ब्लैक होता है। ठीक है, अगर पीछे है ब्लैक तो स्विच करके ब्लैक ला सकते हैं, जस्ट लाइक इलस्ट्रेटर। ठीक हो गया, हमने ब्लैक कलर का ब्रश ले लिया, और ब्रश की सेटिंग में आपने देखना कि आपकी हार्डनेस फुल ज़्यादा ना हो, तकरीबन 30-40 के आसपास हो। ठीक है, आपकी जो हार्डनेस है ब्रश की, और उसके बाद आपने ब्रश इस तरह से अप्लाई करना है, यूँ एक सिम्थ के अंदर। ठीक है, इस तरह से आप अप्लाई करते जाओगे तो आपका जो हाफ इमेज है और हाफ जो आपका पर्सन है वो शो होता जाएगा। ये स्टेप मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ हमने क्या किया था। हमने यहाँ पे जो इमेज था उसके ऊपर मास्क किया इसको। ठीक है, हमारा ये जो पहले हमने कंट्रोल के साथ इसको सेलेक्ट किया, और उसके बाद जो हमारा इमेज था यहाँ पे, ठीक है, उस पर सिंपल हमने यहाँ पे मास्क किया, तो ये चीज़ इस तरह से आउटलाइन हो गई। ठीक है, और नेक्स्ट हमने क्या किया कि यहाँ नॉर्मल से जाके इसको लाइट एंड इफेक्ट अप्लाई किया इस पर, तो ये इस तरह से चीज़ आ गई। नेक्स्ट मैंने ब्रश सेलेक्ट किया यहाँ से, ठीक है, और फोरग्राउंड कलर जो था हमारा वो ब्लैक रखा। ब्रश की मैंने ब्रश का जो साइज़ था वो थोड़ा सा बड़ा रखा है। ठीक है, कोई एग्जैक्ट साइज़ नहीं है, डिपेंड करता है आप ऑब्जेक्ट जो यूज़ करें उसका क्या साइज़ है, और उसी के लिहाज से बहुत छोटा यूज़ करेंगे तो बहुत माइनर से वो एडिटिंग करेगा, तो थोड़ा सा बड़ा रखेंगे ताकि रफ़ फील आए। ठीक है, और उसके बाद जो आपकी हार्डनेस है वो आपने 30-40 के आसपास रखनी है। ठीक है, जितनी हार्डनेस आपकी ज़्यादा होगी उतना कट आपका ज़्यादा आएगा। देखिएगा, मैं यहाँ पर लगाता हूँ, देखें कट कितना अजीब सा हार है। तो हार्डनेस जितनी कम होगी आपका उतना क्लियर यहाँ पर इफेक्ट आएगा। लेट्स से हम 20 के आसपास ले जाते हैं, तो इस तरह से ये फिर बहुत ब्लर थोड़ा अजीब लगता है, तो थोड़ा सा 30 के आसपास या 40 के आसपास हम रखेंगे। ठीक है, तो मैं इतना रख रहा हूँ, और उसके बाद मैंने एक सिम्थ के अंदर, ब्रश जब भी यूज़ करते हैं वो चाहे आप पेपर पे यूज़ कर रहे हो, चाहे वो फोटोशॉप के अंदर यूज़ कर रहे हो, जहाँ भी यूज़ कर रहे हो आपने एक डायरेक्शन में उसको यूज़ करना है। ठीक है, मैं इस डायरेक्शन में यूज़ कर रहा हूँ, और अगर आप चाहते हैं बेशक इस डायरेक्शन में करें, लेकिन अगर इस डायरेक्शन में करेंगे तो आपका ये वाला जो इमेज है जो हम दिखाना चाह रहे हैं वो लॉस हो जाएगा। ठीक है, सो सिंपल आप यहाँ से
अपनी जो चीज़ें आप यहाँ से फेस दिखाना चाहते हो, सिंपल यहाँ से इस तरह इसको दो दफ़ा मैंने अप्लाई किया और सिंपल मेरा यहाँ से फेस क्लियर हो गया। ठीक है जी, ये हमारे पास जो चीज़ थी वो अप्लाई हो गई है और ओवरऑल हमारा एक इफेक्ट क्रिएट हो गया। नेक्स्ट आप यहाँ से सिंपल अपना जो कलर है आपका, जो आपने अप्लाई किया हुआ था, वो सिलेक्ट करोगे और यहाँ से आके बिल्कुल शोल्डर के पास जहाँ से इसके आउटलाइन आ रही है उस पर क्लिक करोगे तो ये कलर बैक वाली साइड पे या बाहर वाली साइड पे हो जाएगा। एक ये भी वजह थी जिसकी वजह से हम लोगों ने एक अलग कलर यहाँ पे अप्लाई किया था। ठीक हो गया, तो ये चीज़ है जिसके साथ हमारा ये वाला इफेक्ट पूरा क्रिएट होता है। ठीक है, ठीक है जी, मैं सारे इसको रिपीट कर रहा हूँ, एक दफ़ा दोबारा देख लें। स्पीड थोड़ी सी दफ़ा ज़्यादा तेज़ होगी क्योंकि हम लोगों ने एक दफ़ा ऑलरेडी ये चीज़ कर ली है। ठीक है, सो सिंपल मैंने यहाँ से इमेज लिया जो हमारे पास अनस्प्लैश से इमेज लिया हुआ था हमने। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से इसे क्रॉप कर रहे हैं। ठीक है, इसको हमने यहाँ से इस तरह से क्रॉप कर दिया। ठीक हो गया, यानी कि जो बाउंड्रीज थी वो इसके एडिट कर लिए, इसको ओके कर देंगे यहाँ से, तो इस तरह से हमारे पास चीज़ आ जाएगी। नेक्स्ट हम लोगों ने इसको अनलॉक कर लेना ताकि हम इसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकें। सिंपल क्विक सिलेक्शन के साथ में इसको बैकग्राउंड को यूँ सेलेक्ट करके, ठीक है, जो वाइट एरिया था उसको सेलेक्ट किया, जो एरिया अंदर आ गया इसमें इसको डीसेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। ठीक हो गया, और सिंपल डिलीट का बटन प्रेस करूँगा तो ये डिलीट हो जाएगा। ये सिंपल बैकग्राउंड रिमूवल है। चलें, यहाँ से हम लोगों ने इसको रिमूव कर दिया। नेक्स्ट आप लोगों ने यहाँ से लेयर में आके देख लेना है कि आपका ये रिमूव हो गया हो, और नेक्स्ट आपने यहाँ पे अपना एक सॉलिड कलर ऐड कर देना है। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से हम सॉलिड कलर वाइट ऐड कर रहे हैं, इसको ओके कर देंगे। ठीक है, और जो आपकी मेन लेयर है, जिस जो आपका ऑब्जेक्ट है, उसको सबसे फ्रंट पे लेंगे, यानी कि टॉप पे लेंगे ड्रैग करके, और आपका जो कलर है वो सिर्फ बैक पे चला जाएगा। ठीक हो गया, नेक्स्ट आपने जो इसके ऊपर इमेज दिखाना है उस इमेज को सिंपल आप ले आओगे अपने फोटोशॉप के अंदर इसके ऊपर इस तरह से। ठीक है, और इसकी आप यहाँ से लेयर में जाके ओपेसिटी कम कर लो ताकि आपको नज़र आ रहा हो कि ये किस जगह पे प्लेस होगा। ठीक है, और इसको सिंपल इस तरह से आप बढ़ा करते जाओगे जहाँ पे आप सेटिस्फाई हो कि आपकी जो शेप है वो भी नज़र आ रही है और आपका जो पर्सन है वो भी नज़र आ रहा है, तो आप ओके कर दो इसको और यहाँ से वापस लेयर में आके इसकी ओपेसिटी वापस कर दो। ठीक हो गया, और इसको यहाँ से प्लेस कर देंगे, ये इस तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट आपने अपना कंट्रोल प्रेस करके इस लेयर को सिलेक्ट करना है यहाँ से। ठीक है, और इस वाली लेयर को सिलेक्ट करके इसको मास्क कर देना है। ये डबल स्टेप्स हैं, इस तरह से आपने कंट्रोल प्रेस करके अपनी लेयर को सिलेक्ट किया। ठीक है, और नेक्स्ट जो उसके ऊपर लेयर है उसको सिलेक्ट करके यहाँ से इसको मास्क कर देना, क्लिक करेंगे मास्क हो जाएगा सिंपल। ठीक है, और उसी के साथ आपने नॉर्मल में जाके यहाँ से लाइट एंड इफेक्ट उस पर अप्लाई कर देना है। यहाँ तक होगी एक चीज़, उसके बाद आपने यहाँ से कोई और लेयर सेलेक्ट नहीं की, जिसके ऊपर हमने लाइट एंड इफेक्ट किया है वही सिलेक्टेड होगी, और हमने यहाँ से आके अपना ब्रश सेलेक्ट करना है और फोरग्राउंड कलर ब्लैक करना है। ठीक है, राइट क्लिक करके ब्रश का साइज़ थोड़ा बड़ा करेंगे और हार्डनेस जो है वो 31% तक ऑलमोस्ट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपने अपना जो ब्रश है उसको इस तरह से अप्लाई करना है कि आपका जो इमेज है वो नज़र आ जाए। ठीक है, और हमारे इस तरह से इमेज और पर्सन दोनों नज़र आ रहे हैं। ठीक हो गया, उसके बाद आप जाओगे लेयर्स में और आपका जो बैकग्राउंड कलर है उस पर डबल क्लिक करोगे और बाहर माउस लेके आओगे तो खुद ब खुद ही आपको आई ड्रॉपर दे देगा, और आपने बिल्कुल जो एज है जिस कॉर्नर पे आप चाहते हो कि आपका ये डिज़ाइन आए, तो आप बिल्कुल इस जगह पे क्लिक करोगे तो ये मर्ज हो जाएगा बैकग्राउंड के साथ और एक नेगेटिव स्पेस की फील आ जाएगी। ठीक है जी, और इसको आप यहाँ से ओके कर दोगे तो आपका ये इमेज यहाँ पे रेडी हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप चीज़ क्लियर होगी होगी, मैंने दो दफ़ा अब रिपीट कर दी है। बाकी वीडियो को बार बार देखिएगा, कोई चीज़ ना हुई, कोई चीज़ अप्लाई ना हो रही तो मुझे बता दीजिएगा। बहरहाल हम लोगों ने यहाँ पे ये एक चीज़ अप्लाई कर ली, इसके बाद आप फाइल में जाके इसको सेव कर लें अपने पास। ठीक हो गया, यहाँ से आप इसको सेव करोगे जी जेपैग में कर लें, आप चाहो तो जेपैग में कर लो, चाहो पीएनजी में करें, पीएनजी में करके आप इसको बेशक ट्रांसपेरेंट में जाके वहाँ अप्लाई करें, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको जेपैग में ही कर रहा हूँ। ठीक है, सिंपल इसको हम सेव कर लेते हैं, ओके कर लें। ठीक हो गया, मैंने यहाँ पे सेव कर लिया, वापस आएँ अपने इलस्ट्रेटर में, यहाँ पे न्यू पे जाके A4 का पोस्टर बनाओगे सिंपल इस तरह से और क्रिएट कर देंगे। ठीक हो गया, ये आपके पास पोस्टर आ गया, आपने जो इमेज बनाया था उसको कॉपी करके यहाँ ले आएँ इस तरह से। ठीक है, इसको रखें इधर कॉर्नर में और इसको एम्बेड कर दें, थोड़ा इसको बड़ा कर लें। ठीक है जी, और इसके बाद यहाँ पे आप लोग एक बैकग्राउंड शेप ऐड करोगे रेक्टेंगल की, इसको करेंगे सेंट बैक और इसका हम यहाँ से कलर ले लेंगे ये वाला। ठीक है जी, इस तरह से हमारे पास ये चीज़ क्रिएट हो जाएगी। सो नेक्स्ट हम लोगों ने ये डिटेलिंग ऐड करनी है, मैं कर लेता हूँ ताकि टाइपोग्राफी आप देख लो, और ये चीज़ बनानी है
ये पहले बना लेते हैं, फिर हम टेक्स्ट ऐड कर लेंगे। अच्छा, अब ये चीज़ कैसे बनेगी? बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप लोग ये वाला कलर कोड ले लें अपने पास, जो कलर आपने यहाँ पे लिया हुआ, ये कॉपी कर लिया मैंने अपने पास, ठीक है। और इसके बाद मैंने यहाँ पे एक लाइन ऐड करता हूँ इस जगह पे, इस तरह से। और इस लाइन का कलर मैं बैकग्राउंड वाला कर रहा हूँ, और इसका स्ट्रोक बढ़ा रहा हूँ इस तरह, ठीक हो गया। और इसी की एक और कॉपी क्रिएट करके इस जगह पे आ जाएगी, थोड़ी सी और बड़ी कर लें। और नेक्स्ट एक और इसकी कॉपी क्रिएट करके उसको हम हॉरिजॉन्टल में इस तरह से रख लेंगे, ठीक है जी। और अपना इमेज ले आएँ आप लोग यहाँ पे, इसको एम्बेड कर लें। ये आ जाएगा जी, इसको थोड़ी सी और स्पेस दे देते हैं इतनी। ठीक हो गया, इसको आप मास्क कर लो इतना। यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी जगह और करनी पड़ेगी, फाइन। और इसको आप यहाँ पे प्लेस कर लोगे। आपकी जो लाइंस हैं उनको सिलेक्ट करें और उनको लें फ्रंट पे। हमारा इमेज भी फ्रंट पे आ गया, एक सेकेंड, इसको भी बैक पे कर लेते हैं, ठीक है जी। इस तरह से आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। इसमें कोई चीज़ समझ ना आई हो, कोई चीज़ पूछनी हो तो बता दें, ठीक हो गया। सो इस तरह से हम लोगों ने इफेक्ट वो वाला अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट आपके पास टाइपोग्राफी है, वो आप लोग मेरे से ज़्यादा अच्छी तरह से जानते हैं कैसे करनी है। सिंपल, हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करते जाएंगे यहाँ पे अच्छी तरह से। एक सेकेंड, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। क्या लिखा होता है यहाँ पे? नेटफ्लिक्स फिल्म, ठीक है जी। ये सारी कॉन्सेप्चुअल पोस्टर है, कोई एक्चुअल मूवी नहीं है, ठीक है ना। मूवी का नाम भी मैंने खुद ही रखा हुआ है, कोई सच वो नहीं है कि आप जाके ढूंढना शुरू कर देंगे कौन सी मूवी है। ये सब करेक्टर्स वगैरह मैंने खुद ही क्रिएट किए हैं। और इसके अंदर लेटर स्पेस ऐड कर रहे हैं थोड़ी सी, और इसको ठीक हो गया, इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ। और एक और इसके अंदर से मूवी का नाम है जी बिग फिश, और इसका यहाँ से स्पेसिंग कम कर रहे हैं। मैंने रिसेंटली एक फॉन्ट देखे हैं उनकी, ये नहीं, ये नहीं है, का नाम मुझे भूल गया, मैं देख लेता हूँ यहाँ पे। उनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है और विड्थ कम है, वो ज़रा अच्छे लगते हैं थोड़े। अच्छा, आप लोगों को एक चीज़ है मैंने नहीं बताई, आप लोग फ़िल्टर लगा सकते हैं यहाँ से, कि आप लोगों ने फॉर एग्जांपल अपने पास सैन सेरिफ ढूंढने, तो यहाँ से ऑन करेंगे तो जस्ट सैन सेरिफ शो करेगा। अगर सेरिफ चाहिए तो यहाँ सेरिफ शो करेगा। बाकी भी फ़िल्टर्स हैं इसके अंदर, बोल्ड में चाहिए, लाइट में चाहिए, कंडेंस फॉन्ट चाहिए, ठीक है। इस तरह से आपके पास सारे फॉन्ट्स आ जाएंगे। अभी मुझे कंडेंस फॉन्ट शो कर रहा है इसमें, मैं देख लेता हूँ वो फॉन्ट अगर मुझे मिल जाए। नहीं, इसमें नहीं है वो, मुझे खुद ढूंढना पड़ेगा। एक सेकेंड, वो फॉन्ट थोड़ा सा बेहतर है इस बीबस फॉन्ट से, अगर मुझे मिल गया तो। ये है, ठीक है। और इसका हम यहाँ से अपर केस कर लेंगे, इसमें थोड़ी सी लाइट इफेक्ट आ रहा है, हमारे इस करेक्टर के साथ नहीं जा रहा है, इसको हम वापस बीबस में ही चेंज करेंगे, ठीक हो गया। और ये आ जाएगा यहाँ पे, इन दोनों को लेफ्ट लाइन कर लें, ठीक है जी। मेरी हॉबी है कि मैं अक्सर औकात इस तरह के पोस्टर्स वगैरह, एल्बम्स वगैरह क्रिएट करता रहता हूँ, जो फिक्शनल होते हैं, यानी कि एक्चुअल में वो होते नहीं हैं, बट मैं खुद ही से क्रिएट कर रहा होता हूँ। माई डी, मेरे पास एक
पढ़ा भी हो इस तरह का कोई एल्बम कवर जो मैंने खुद ही ऐसे ही बनाया हो जो एक्चुअल में नहीं होता, लेकिन मुझे जो शौक है वो चीज़ें क्रिएट करने का। ओके जी, इसको फ़िलहाल चलें साइड पे रख लेते हैं। और इसके अंदर हम लोगों ने टेक्स्ट ऐड करना है। टेक्स्ट के लिए मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट पेस्ट करके रखा हुआ था, मूवी की डिस्क्रिप्शन है थोड़ी बहुत, ठीक है। तो ये ज़्यादा सारा टेक्स्ट जो हमने लिखना है वो इस तरह से हम ड्रैग करेंगे और इसके अंदर पेस्ट कर देंगे और यहाँ से इसका फॉन्ट चेंज कर लेंगे इस तरह से। और इसका हम पैराग्राफ थोड़ा एडिट कर लेते हैं, हाइफनेट ख़त्म कर लेते हैं और इसको फुल उसमें ले आते हैं। यहाँ पे इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, जगह है हमारे पास, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास थोड़ा सा टेक्स्ट आ जाएगा इस मूवी के बारे में। ओके फाइन। सो नेक्स्ट चीज़ हम लोगों ने इसके अंदर डेट ऐड करनी है कि कब रिलीज़ हो रही है, वो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। लेट्स से कोई भी ऐड कर दें, अभी आज क्या है, 24 है, तो आज ही रिलीज़ हो रही है, भैया देखनी है तो आज ही देखें, 2020। और इसका फॉन्ट मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक हो गया। देख लेते हैं सारे अलाइन हो आपस में एंड तक, सब अलाइन है, बेहतरीन। और इसका कलर थोड़ा सा डार्क यूज़ करते हैं यहाँ से कुछ, ठीक हो गया, ठीक है। जो एक ब्राउन का हम लोगों ने ओवरऑल शेड रखा हुआ है। ये जो टेक्स्ट आपको लग रहा है कि ये कहाँ से आई, सिंपल विकिपीडिया का टेक्स्ट है किसी मूवी के बारे में। ये 7 मूवी है उसका मैंने टेक्स्ट लिया हुआ है, ठीक है। तो आप जो भी मूवी जिसका पोस्टर बनाओगे, विकिपीडिया पर उसका टेक्स्ट पड़ा होगा, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी होगी, तो आप वहाँ से ले सकते हो, ठीक है जी। ये हमारे पास आ जाएगा इस तरह से। और इसमें हमने क्या ऐड करना है, लोगो ऐड करना है नेटफ्लिक्स का। अब दो नो लोगोज़ हैं मेरे पास, एक नेटफ्लिक्स का ये लोगो है, ठीक है। मैंने ये वाला यूज़ नहीं करता, इसमें टेक्स्ट बहुत ज़्यादा है, करना चाहें तो आप लोग ये बॉटम पे यहाँ पे ऐड कर सकते हो। इसको मैं यहाँ से इसी के साथ अलाइन करूँगा, एक सेकंड, ठीक है। इस तरह से ये वाला लोगो भी यूज़ हो सकता है यहाँ पे, और दूसरा जो लोगो मॉडर्न लोगो है इनका, थोड़ा सा हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं, वो मुझे ज़रा बेहतर लगता है बॉटम पे यूज़ करने के लिहाज से। टॉप पे जो आपका सेंटर में आता है वो वही वाला लोगो है जो हम लोगों ने भी पहले देखा था, लेकिन बॉटम पे अगर यूज़ करें तो फिर हम ये वाला लोगो यूज़ करेंगे, ठीक हो गया। इस तरह से हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। ओके फाइन। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि हम लोग इसके अंदर यहाँ पे एक सर्कल वगैरह ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा, इसमें अगर आप फिल करना चाहो इससे, क्योंकि अभी खाली खाली अगर लग रहा है। और मेरे पास यहाँ पे एलिमेंट्स पड़े हुए थे ये वाले, ठीक है, आप चाहो तो इनमें से कोई एलिमेंट यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ये वाला एलिमेंट ले जाते हैं इस तरह से। इसका कलर भी यही ब्राउन कर लेते हैं और इसको हम थोड़ा सा मूव करके देखते हैं जो साइड सही लगे इस तरह से। और इसको मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ और सिंपल इसको क्लिप कर रहा हूँ, सबको सेलेक्ट किया और इसको क्लिप कर दिया। सो ये आपका पोस्टर रेडी हो गया। इसमें कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो बता दें। ओके, आप डिज़ाइन एलिमेंट सर्च करोगे, ठीक है, और आपको इस तरह के एलिमेंट्स मिल जाएंगे, ये देखें, ठीक है, ये हैं एलिमेंट्स, ये हैं, ठीक है, बने बनाए डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो, ये पड़े हुए हैं। तो इससे होता ही है कि अगर आपका डिज़ाइन खाली खाली लग रहा है तो आप इनको यूज़ करके उसको फिलअप कर सकते हो, ठीक है। बहुत बेतहाशा डिफरेंट शेप्स पड़ी हुई हैं जो आप चाहो यूज़ कर सकते हो। चले मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोगों ने करना क्या होगा। कोई भी मूवी आप अगर लेते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल, पहली चीज़ ये है कि मूवी पोस्टर जिसका भी आपने बनाना है वो आपकी फेवरेट मूवी होनी चाहिए, ठीक है। फेवरेट मूवी का मतलब ये होता है कि बंदे ने एक आध दफ़ा देखी होती है या 2-3 दफ़ा देखी होती है, ठीक है। उसमें आपको प्रॉपर पता होता है कौन सा करेक्टर जो है वो मेन करेक्टर है जिसको हमने ज़्यादा करके दिखाना है, और मूवी का ओवरऑल थीम क्या है, ठीक है। और इसी तरह का पोस्टर क्रिएट होता है। अभी अगर इस पोस्टर को देखें तो अगर हमें सीरियस फील आ रही है इससे, ये कोई कॉमेडी मूवी हमें कहीं से नहीं लग रही, ठीक है। तो इसी तरह आपके जो पोस्टर होगा उससे भी इसी तरह की फील आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप लोग इमेजेस कहाँ से लोगे? एक तो ऑप्शन ये है कि जिसका भी आप लोगों ने इमेज लेना है, जो भी आपका करेक्टर है या जो भी पर्सन है, आप सिंपल उस पर्सन का नाम लिख के और आगे फोटोशूट सर्च करोगे तो उसके इमेजेस आपको मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, लियोनार्डो कैप्रियो का आप लेते हो इमेज,
तो सिंपल उसका नाम सर्च लिख के और आगे फोटोशूट लिखोगे तो आपको उसके इमेजेस मिल जाएंगे, या वॉलपेपर लिख लो सिंपल, उसका नाम लिखा वॉलपेपर लिखा और आगे उसके इमेजेस मिल जाएंगे। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप लोग जो मूवी आप देख रहे हो उसका ट्रेलर ओपन करो यूट्यूब पे जाके HD के अंदर, ठीक है। HD में उसका ट्रेलर आएगा और आप उसको फुल स्क्रीन में करके उसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। उससे वो कि हाई क्वालिटी के अंदर आपको इमेजेस मिल जाएंगे उस मूवी के, और फिर उसका बैकग्राउंड रिमूव करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये मल्टीपल ऑप्शंस हैं आपके पास, जो भी आप यूज़ करना चाहें, जिसको भी देखना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप जो पोस्टर क्रिएट करोगे उस पोस्टर के अंदर एक चीज़ कि आपका जो डिस्क्रिप्शन है थोड़ी सी वो होनी चाहिए कि मूवी किस बारे में है और क्या होगा इस मूवी के अंदर। आपके मूवी का टाइटल विजिबल होना चाहिए, ठीक है। रिलीज़ डेट होनी चाहिए, और इसके अलावा जो आपके डायरेक्टर या एक्टर वगैरह हैं वो आपने ऐड करने होंगे इसके अंदर, ठीक है। तो वो चीज़ें जो हैं आपके मूवी के अंदर होनी चाहिए। मैं देखता हूँ इस तरह के आपके मूवी अवार्ड आइकन्स भी होते हैं, हाँ इस तरह के, ठीक है। आप ये आइकन्स भी अगर ऐड करना चाहो, फिल्म फेस्टिवल वगैरह जैसे ये लिखा हुआ है, इस तरह के अगर आप आइकन्स ऐड करना चाहो तो ये भी कर सकते हो, ठीक है, अगर कोई आपको इस तरह के मिलते हैं। बट ये जस्ट एडिशन चीज़ें हैं। जो मेन चीज़ है वो आपकी है कि आपकी डेट, आपके डिस्क्रिप्शन, आपका टाइटल ये होना चाहिए, और जो भी डायरेक्टर और एक्टर वगैरह हैं उनके नाम होने चाहिए। इसके अलावा आप कोई भी नेटफ्लिक्स वगैरह का या किसी का भी लोगो भी ऐड कर सकते हो। जस्ट मेन चीज़ ये कि खाली खाली पोस्टर ना हो, उसमें चीज़ें वगैरह आपने ऐड करनी है, ठीक है। ठीक है जी, यहाँ तक हमारा मूवी पोस्टर था। ओके जी, आई होप आज की चीज़ क्लियर होगी। इंशाल्लाह फिर हम लोग कल कुछ नया स्टार्ट करेंगे और कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।